एशिया कप 2023 की शुरुआत 30 अगस्त से होगी। भारत के साथ ही पाकिस्तान और श्रीलंका को इस टूर्नामेंट में प्रबल दावेदार माना जा रहा है। पाकिस्तान और श्रीलंका टूर्नामेंट के सह आयोजक भी हैं। भारतीय टीम करीब 4 साल बाद पाकिस्तान के खिलाफ वनडे मैच खेलेगी। आखिरी बार 2019 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों की टक्कर हुई थी। 2 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम टूर्नामेंट में अपना पहला मैच खेलेगी। एशिया कप से पहले श्रीलंका में ही पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रही है। एशिया कप से पहले पाकिस्तान की टीम बड़ी कमजोरी सामने आई है। अफगानिस्तान के खिलाफ दोनों मुकाबले में पाकिस्तान का मध्यक्रम पूरी तरह फेल रहा। पहले मुकाबले में टीम के 2 विकेट 2 ओवर में गिर गए थे, जिसके बाद पूरी टीम 201 रन बना पाई। इसमें 61 रन तो सलामी बल्लेबाज इमाम उल हक ने ही बनाए। दूसरे मैच में एक समय टीम का स्कोर 1 विकेट पर 170 रन था। एक बार फिर मध्यक्रम फेल रहा और टीम का स्कोर 211 रन पर 6 विकेट रहा। हालांकि 8वें नंबर पर आए शादाब खान ने 35 गेंद पर 48 रन बनाकर टीम को जीत दिला दी। भारतीय टीम को एशिया कप में पाकिस्तान पर पहले पावर प्ले में ही वार करना होगा। मोहम्मद सिराज तो इसमें माहिर भी हैं। 2022 की शुरुआत से सिराज अभी तक भारत के लिए 23 वनडे मैच खेले हैं। इस दौरान पावर प्ले में ही उनके नाम पर 26 विकेट हैं। इस दौरान सिराज का औसत करीब 15 और इकोनॉमी 4 का रहा है। टेस्ट खेलने वाले देशों में किसी भी गेंदबाज ने इस दौरान पावर प्ले में 20 विकेट नहीं लिए हैं। भारतीय टीम में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की भी वापसी हो चुकी है। आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 में बुमराह ने पहले ही ओवर में 2 विकेट लिए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भी बुमराह एंड कंपनी को गेंदबाजी से पहले ओवर से ही अटैक करना होगा। अगर शुरुआती 10 ओवर में भारतीय टीम 2 या 3 विकेट ले लेती है तो पाकिस्तान के लिए वापसी मुश्किल हो जाएगी।